क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन डिसइंफेक्शन ऑफ द थर्मामीटर। इन थर्मामीटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए सेवलॉन या डिटोल्स का लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ सेवलॉन की बात किया है तो इसका रेशियो आएगा 1:20। अगर डिटोल का पूछता तो 1:40। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थर्मामीटर को डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे या किससे करेंगे, और उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगा। तो सेवलॉन की रहेगी 1:20 और डिटोल की रहती है 1:40। और मैं बात करूँ डिसइंफेक्शन क्या कैसे करते हैं, क्या होता है, बैक्टीरिया सीडल क्या होता है, बैक्टीरिया स्टेटिक क्या होता है, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो ये डिसइंफेक्शन वाले ही टॉपिक में आते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक ज़रूर देखें। फंडामेंटल में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सीधे सीधे इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कन्वर्ट ऑफ 45 सेंटीग्रेड ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर 45 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो इसके लिए दो फॉर्मूला होते हैं। देखो, सेंटीग्रेड में चेंज करना है फ़ारेनहाइट को, अब यहाँ अपन को दिया है सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है, और चेंज करना है इसको फ़ारेनहाइट में, तो अपन ये फॉर्मूला यूज लेंगे फ़ारेनहाइट वाला। तो फ़ारेनहाइट हमेशा देखो, सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी का 37 और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, यानी फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है देखा जाए तो डिजिट में और सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। तो अपन क्या करें कि सेंटीग्रेड है जो है उसको आगे रखेंगे, जो पूछ रहा है उसको पहले रख लेंगे इक्वल लगा के। अब सेंटीग्रेड है, अपन इसको बढ़ाना है, तो यहाँ 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले गुणा करेंगे, ठीक है, 9/5, क्योंकि अगर 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 समथिंग कुछ आएगा, यानी किसी भी वस्तु को यानी किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही आती है, पर यहाँ तो अगर डिवाइड करने पे 1 से ज़्यादा आ रहा है उसको सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा आएगा, और उसमें लास्ट में 32 भी ऐड कर देंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी ये बढ़ाने के लिए काम आता है। सेंटीग्रेड को याद रखो, फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, उसको कम करना है तो सबसे पहले 32 माइनस कर दो, 32 माइनस कर दिया और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 हमेशा क्या होता है 9 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में ही आएगा, क्योंकि 1 से कम ही आएगा, इसलिए डिजिट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसको इस फॉर्मूले से सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप करना और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इन द ट्रम्स एच। अगर ब्लड की जो स्ट्रीम, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो ट्रम है, कमी है, उसको किस ट्रम में बोलते हैं। एक तो होता है टिश्यू में कमी और एक होता है ब्लड में कमी। तो एनऑक्सिया, तो ये यानी टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं है। हाइपोक्सिया यानी टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी है। एनऑक्सीमिया, मिया वर्ड आ रहा है इसका मतलब ब्लड का है, एनऑक्सिया यानी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, और हाइपोक्सीमिया यानी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। लैक यानी कमी होता है, बाकी ये ऑप्शन में नहीं दे रखा कि हाइपोक्सीमिया। अगर ये हाइपोक्सीमिया आंसर होता तो होता ऑप्शन में तो हाइपोक्सीमिया आंसर जाता, पर ऐसा नहीं है तो इसलिए घुमा के आंसर देना पड़ेगा अपन को एनऑक्सीमिया, इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जरूर लिया, खासकर जिप मेरे क्वेश्चन इतने ईजी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा टर्म एज। तो इन्फ्लामेशन ओरल म्यूकोजा की बात करूँ तो स्टोमेटाइटिस होता है, पर इसके चारों ही ऑप्शन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जाता है। जिग्निवेटाइटिस यानी क्या होगा, गम्स इन्फ्लामेशंस। ग्लोसिस्टाइटिस, टंग इन्फ्लामेशन। होलिस्टोटोसिस, इसका मतलब बैड ब्रीथ यानी बदबू, बदबूदार सांस। और एक और होता है पेरिडोंटाइटिस, तो पेरिडोंटाइटिस होता है जो गम्स हैं उसके चारों तरफ, यानी जो अपने टीथ हैं उसके चारों गम हैं उसके चारों तरफ एरिया में इन्फ्लामेशन होना, उसको पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। तो ये भी चारों ऑप्शन ये बार बार एग्जाम में, पेरिडोंटाइटिस तो BHU में उसमें पूछा गया था, भुवनेश्वर एम्स में पूछा गया था, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है, कभी भोपाल में कभी इसमें, ये क्वेश्चन आता ही रहता है बार बार, ये भी क्वेश्चन आता ही रहता है बार बार, मैं आपको बताऊँ ये भी क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है, और इसको भी घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछ ही लेता है।
ये यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml ट्रम एज, तो उसको बोलते हैं एन यूरिया। पर एग्जाम में पूछा जाता है न्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं, ये भी बार बार होता है। ओलिगो यूरिया, पोली यूरिया, ठीक है, अगर 400 ml से कम हो तो ओलिगो यूरिया, तो एन यूरिया 100 ml से कम है, तो ये भी बार बार यूरिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मल यूरिन की पीएच भी बार बार एग्जाम में पूछता है, 4.5 से 8, ये नॉर्मल यूरिन की पीएच होती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मोस्ट एब्डुडेंट एलिमेंट ऑफ इंट्रा सेलुलर फ्लूड, यानी इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, तो सेल के अंदर पोटेशियम मोस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में पूछे तो सोडियम आंसर जाएगा, तो यह राइट आंसर क्या है, के। लास्ट में इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैंने दे रखा है, आप कन्फ्यूजन मत होना, मैं तो साथ साथ में और कुछ भी बता रहा हूँ, इसलिए आप कन्फ्यूजन मत होना, लास्ट में मैंने आंसर दे रखा है, आप वहाँ से देख लेना अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी आंसर में। डायरिया कैन बी लीड टू, तो डायरिया कैन बी लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेगा, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करेगा। डायरिया है जीआईटी सिस्टम, यानी जीआईटी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये आएगा मेटाबॉलिक, या तो एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा। अब एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा इसका कैसा पता करें, डायरिया है, डायरिया देखो क्या होता है, स्टोमक में तो होता है एसिड एसिड, और जीआईटी सिस्टम में जो इंटेस्टाइन होता है वो बेस का निर्माण करती है। डायरिया होता है तो डायरिया के साथ सारा बेस इंटेस्टाइनल बाहर निकल जाता है, तो शरीर में क्या बना रहेगा, एसिड, इसलिए क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट आंसर होगा। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये है 7.35 से 7.45। नॉर्मल सोडियम और पोटेशियम का लेवल कितना होता है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस टाइप के, मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर देखें। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्टरलाइज बाई, ठीक है, इसको ऑटोक्लेव के द्वारा कराओगे, फ्यूमिगेशन कराओगे, मोस्ट हीट मेथड कराओगे, बॉइलिंग या पुटिंग ऑफ सीडेक्स, तो यह राइट आंसर ये आता है मोस्ट हीट मेथड। अब वो ऑटोक्लेव के द्वारा करो या किसी तरह, मोस्ट हीट मेथड से करते हैं, ठीक है, ना बॉइलिंग करेंगे ना फ्यूमिगेशन करेंगे, ओटी को करते हैं फ्यूमिगेशन। यूरिन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द, ये पहले बात तो सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे गए हैं, तो यहाँ फॉस्फेट, देखो शुगर का कोई क्लाउडी अपीयरेंस नहीं होता, ठीक है, बेनेडिंग सॉल्यूशन टेस्ट करके ही अपन पता करते हैं, बाहर से कोई दिखाई नहीं देता। स्टोन में क्रिस्टल होता है, कोई क्लाउडी अपीयरेंस नहीं होता। यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिक एसिड से यूरिया बन के वो जल में घुलनशील होता है, तो इसका भी पता नहीं चलता। आइडियल टेम्परेचर यूज ऑफ सीज बाथ इज, सीज बाथ में अपन आइडियल टेम्परेचर, अभी बीएचयू में पूछा गया था, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ ध्यान रखना, फेरेनहाइट में पूछता है कभी कभी, ये डिजिट किस में देता है, सेंटीग्रेड में भी देता है, बीएचयू में सेंटीग्रेड में दिया था, यहाँ आएगा 110 से 115 फेरेनहाइट होता है सीज बाथ का। अब मैं बता ही चुका हूँ कि फेरेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, ये फेरेनहाइट दे रखा है अपने पास, इसको सेंटीग्रेड में चेंज कर लेना, ऑप्शन में मिल जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए सेंटीग्रेड को फेरेनहाइट, फेरेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना आपको आना चाहिए। नहीं भी आए तो भी फिर मैं करके बता दूंगा, आप कमेंट्स में करके मुझे बता देना, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं जल्दी ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन और वेंटिलेशन व्हेन देयर इज टू रिस्क्यो मेथड, टू रिस्क्यो मेथड अगर बात करें, अगर दो रिस्क्यो हैं तो कार्डियक कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा, तो 30:2 होगा। CPR बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो ये होगा। अब आप पूछो कि ये इसका मतलब, ये ना तो चाइल्ड बता रहा ना इन्फेंट बता रहा, इसका मतलब एडल्ट है, तो इन्फेंट और चाइल्ड के लिए क्या होगा, ये आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करके मुझे बताइए, नहीं आएगा तो मैं आपका राइट करवा दूंगा। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट निकोटिनिक चेंजेस, देखो ये क्वेश्चन भी एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट से पूछा जाता है, ठीक है, और हेपेरिन का एंटीडोट पूछा जाता है, कोमिडिन का एंटीडोट पूछा जाता है, पैरासिटामोल का एंटीडोट पूछा जाता है, तो ये कुछ एंटीडोट हैं बहुत बार बार पूछे जाते हैं, तो ये तो आप बुक जवानी याद होने ही चाहिए। तो यहाँ आएगा पैरालिडो ऑक्सीमी, ये तो बहुत कम पूछा गया है, जिपमेयर में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, बाकी ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं एंटीडोट से, ठीक है, हेपेरिन का एंटीडोट क्या है,
ठीक है, कॉमेडिन का एंटीडोट क्या है, एनएसीटाइल का एंटीडोट क्या है, पैरासिटामोल क्या है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का क्या है, ये बार बार पूछे जाते हैं। 1 ग्रेन मीन्स क्या होता है, यानी 1 ग्रेन बराबर कितना होता है, तो ये आप होगा 60 मिलीग्राम, ठीक है, राइट आंसर। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये 15 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और एक आता है पोजीशन से रिलेटेड फंडामेंटल में क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ फंडामेंटल का कोई क्वेश्चन नहीं लिया। तो आप श्यामदास सिंह अकेडमी को देखते रहे, और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स करके, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ठीक है, और इनको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। DSSB, लखनऊ PGI, आगामी एम्स,